क्वेरी कर लेना। ठीक है मैम। ठीक है मैम कर्फ्यू लगा दिया गया शहर में, क्या हिदायत है आम जनता के लिए? जिला प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से इंदौर जिले में कर्फ्यू की घोषणा की गई है। दोपहर 2 बजे के बाद से वो कोई भी सड़क पर ना निकले, सभी घर के अंदर रहें और अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवाओं के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। कल से इसी समय के अनुसार लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकेंगे। यथासंभव लोग घरों में ही रहें, ऑनलाइन सप्लाई के माध्यम से या फ़ोन पर कॉल करके यदि वो आवश्यक वस्तुओं की सामग्री की खरीदी कर सकते हैं तो वो प्रेफरेबल रहेगा। जो कर्फ्यू के जो ऑर्डर्स हैं, कोरोना के कंट्रोल के संबंध में जो सोशल डिस्टेंसिंग के ऑर्डर हैं उनका पूर्णतः पालन करना है। कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर निकले तो मास्क लगा करके निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। यहाँ तक कि जो आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में यदि आप राशन दुकानों पर जाते हैं, सब्जी की दुकानों पर जाते हैं, तो एक पर्याप्त दूरी बना करके रखें। इसके लिए सभी राशन दुकानों से भी, उनके जो वेंडर्स हैं उनसे भी बात की गई है ताकि वो अपने दुकान के बाहर पर्याप्त दूरी के चिन्ह निर्धारित कर दें ताकि लोग एक पर्याप्त डिस्टेंस के साथ ही दुकानों में आकर के खरीदारी कर सकें। कर्फ्यू के आदेशों का कड़ाई से पालन करना है। दोपहर 2 बजे के बाद से सभी दुकानें बंद हैं। किसी प्रकार से लोगों को बाहर आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मेडिकल आवश्यकताओं के लिए मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। जो लोग अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवाओं के वस्तुओं के निर्माण या उनके परिवहन या उनकी सप्लाई से संबंधित सेवाओं में हैं, जिनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें शासकीय सेवाओं के लोग भी हैं और साथ ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग, सिक्योरिटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग जिनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है, वे इन सेवाओं के प्रदाय के लिए जिस भी कार्य में लगे हुए हैं वो इस कर्फ्यू से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। उनके आने जाने को लेकर के इसमें बाधा नहीं रहेगी, परंतु आवश्यक यह है कि वो अपने आईडी कार्ड्स जरूर से कैरी कर सके ताकि उनको अन्य लोगों से अलग किया जा सके। लोगों से यह अनुरोध किया जाता है कि कर्फ्यू के आदेशों में सड़क पर दिखाई ना दें, घर में रहें, ऐसे निर्देश हैं। ऐसे में अनिवार्य रूप से घर में रहने के आदेश का पालन करें, गलियों पर भी मौजूद ना रहें। सभी के स्वास्थ्य को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए कर्फ्यू के आदेशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य किया गया है। एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया मैम, अगर कोई समस्या आती है तो? पुलिस, इंदौर पुलिस द्वारा कोरोना कंट्रोल पुलिस हेल्पलाइन का नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर है 7049124444। रिपीट, 7049124444। और इसके लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रेणी के अधिकारी, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिसका नंबर मीडिया में दिया जा रहा है।